नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं अर्निंग जोन। इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूं धनी का एक न्यू ट्रिक। देखिए, इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपके पास पेटीएम का फास्टैग रहना चाहिए। अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग नहीं है तो भी आप इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें आपका जो सेटलमेंट है वो नेक्स्ट डे होगा। तो देखिए, ये जो ट्रिक है वो मुझे बताया है आशुतोष भाई ने, तो मैं यहाँ पे आशुतोष भाई को 300 रुपये का पेटीएम कैश दे दिया हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऑफर, बग, ट्रिक कुछ भी है तो अपने साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का पेटीएम कैश मिलता है। डिपेंड करता है आप जो मुझे ऑफर, बग, ट्रिक बता रहे हैं वो कितना ज़्यादा अच्छा है, कितने ज़्यादा लोग का प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे डिपेंड करता है कि आपको कितना रुपये का पेटीएम कैश मिलने वाला है। तो चलिए पूरी प्रोसेस समझते हैं अपने फोन पे। लेकिन उससे पहले, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर ले। क्योंकि देखिए, ये जो ऑफर या ये जो ट्रिक है ये कितनी देर चलेगी, कब तक चलेगी, अभी तो काम कर रही है, मैं 2-3 दिन से यूज़ किया हूँ, मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, कब तक करेगी ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम पे इसका हर एक अपडेट देते रहूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर ले, मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है, अगर आप नहीं समझते तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को लास्ट तक देख लें। तो सबसे पहले मैं आपको एक लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आता है। ये पेज HDFC बैंक का गिफ्ट कार्ड का है। तो यहाँ से आप जाएं नहीं, यहाँ से पहले आप अच्छे से प्रोसेस समझ ले, फिर आप जाके आराम से बाय कर ले। तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में एक 3 लाइन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपको जो साइनअप का बटन दिखेगा इस पर आप क्लिक कर लें। यहाँ से आपको अपना नाम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ें डालना है। डालने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके नंबर पे OTP आएगी, वो OTP आप एंटर कर लें, और एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको बोला जाएगा आप किसके लिए गिफ्ट कार्ड बाय करना चाहते हैं। देखिए, ये साइट ट्रस्टेड है, क्योंकि ये HDFC बैंक है, मतलब आपका थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि लेट ये होता है, मुझे खुद 26 घंटे में मिला है गिफ्ट कार्ड। तो मान के चलिए, आप अगर बाय कर रहे हैं तो इंस्टेंटली तो नहीं आएगा, इसमें लेट तो होगा ही, लेकिन हाँ, HDFC बैंक है, आप देख सकते हैं, HDFC बैंक का साइट है, HDFC बैंक का गिफ्ट कार्ड है, तो हाँ, आप ये भरोसा कर सकते हैं कि आपका मनी सेफ है। तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा आप किसके लिए गिफ्ट कार्ड बाय करना चाहते हैं। तो आप फ्रेंड के लिए, मॉम के लिए, डैड के लिए, किसी के लिए खरीद सकते हैं। तो मैं यहाँ एक फ्रेंड के लिए ले रहा हूँ, तो मैं फ्रेंड पर क्लिक करता हूँ, और फ्रेंड पर क्लिक करने के बाद आपसे बोला जाएगा आप कार्ड टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, किस टाइप का आप कार्ड भेजना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कार्ड है यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज के लिए बोला जाएगा, मैसेज आप कुछ भी डाल सकते हैं, हाय, हेलो, जो भी आपको डालना है वो डाल दें। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप अपने फ्रेंड का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ईमेल एड्रेस पे आपको गिफ्ट कार्ड डिलीवर होगा, तो इसलिए ईमेल एड्रेस सही डालें। और जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, जिससे आपने अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन किया है, वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे ना डालें, वो मोबाइल नंबर भी आप ना डालें, मतलब मोबाइल नंबर दूसरा होना चाहिए और ईमेल एड्रेस भी दूसरा होना चाहिए। और ये जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा इसका। तो यहाँ पे उसके नीचे आपको दिखेगा सेंड द ई गिफ्ट कार्ड ऑन, तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, आप इसको इसी तरह रहने दें, इसको कुछ छेड़खानी मत करें। और इसके नीचे आपको अमाउंट डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पे 500, 1000, 2000 या अदर, मतलब आप कुछ भी अमाउंट यहाँ पे डाल के ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 1000 का लेके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1000 सेलेक्ट करता हूँ। 1000 सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे शो प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बोला जाएगा आप कहाँ से पे करना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह रहने देना है, और आपको यहाँ पे सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, HDFC बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड, और नीचे नेट बैंकिंग। तो सिंपली आपको HDFC बैंक का क्रेडिट डेबिट कार्ड रहने देना है। यही इसमें एक बग चल रहा है कि यहाँ पे बोला जाता है कि आप HDFC बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड से पे करिए, लेकिन हाँ, आप यहाँ पे धनी कार्ड से पेमेंट कर पाते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे वाले बटन पर क्लिक करना है। पे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको बोला जाएगा पे विथ, तो पे विथ पे आपको सेलेक्ट करना है क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना धनी का कार्ड डिटेल्स डालना है, और नीचे जो कैप्चा है वो कैप्चा डालना है, और उसके बाद आपको नीचे एक पे का बटन दिखेगा, आप सिंपली उस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर OTP आएगी, वो OTP एंटर कर दें, और फिर सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक एरर आ गया है, इनवैलिड सेशन का। ये तभी आपको आता है जब आप ट्रांजेक्शन करने में, मतलब आपका जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें डालने में आप थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी रिकॉर्ड करना था तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया हूँ, तो इसलिए मुझे इस तरह का कुछ एरर आया। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का एरर आता है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये आपके हिस्ट्री में कहीं शो नहीं होता है, मैं आपको भी आगे दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, आपका जो गिफ्ट कार्ड है वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो मेरा खुद जो गिफ्ट कार्ड है वो 26 घंटे में आया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको अभी पहले अपना धनी खोल के दिखा देता हूँ कि मेरा पेमेंट कहाँ पे हुआ है 1000 का। देखिए, मैं अपना धनी जैसे ओपन किया हूँ, ओपन करने के बाद जो मेरा 1000 रुपये का पेमेंट है वो हुआ है HDFC बैंक गिफ्ट कार्ड पे। तो मान के चलिए, अगर आप इन बाई चांस अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल भी होता है तो भी आपका जो मनी है वो रिफंड आ जाएगा, क्योंकि HDFC बैंक किसी का रुपये लेके भाग नहीं सकती है। तो चलिए, अब मैं आपको अपना हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि मैं आपको बोला हूँ पहले ही कि मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने कितने का गिफ्ट कार्ड बाय किया है और मुझे डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है।
तो मैं आपको कोई भी अगर ट्रिक बताता हूँ तो मैं खुद पहले उसे वेरीफाई करता हूँ, तब मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऑर्डर हिस्ट्री पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड बाय किया हूँ 15 तारीख को, 500 का 14 तारीख को, और इसी तरह से मैं यहाँ पे 12 तारीख को भी मैं बहुत सारा गिफ्ट कार्ड बाय किया हूँ और एक दो अकाउंट से और मैं ट्राई किया हूँ। मेरा सारा सारा अकाउंट से हाँ लेट लगा है, मुझे 24 घंटे भी लग गए हैं, 26 घंटे भी लग गए हैं, लेकिन हाँ मेरा गिफ्ट कार्ड जो है वो मुझे आ जाता है। तो किस तरह से आपको गिफ्ट कार्ड आता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा देर इंतजार किया हूँ तो मुझे धनी के अंदर जो कैशबैक है वो भी मुझे आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1:01 पे पेमेंट किया था और मुझे 1:07 पे 20 रुपये का कैशबैक आ गया। देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि आपका गिफ्ट कार्ड डिलीवर हो गया है? आपने जो भी नंबर दिया होगा गिफ्ट कार्ड बाय करते टाइम, मतलब अपने फ्रेंड का जो नंबर आप दिए होंगे, उस नंबर पे कुछ इस तरह का मैसेज आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज जो मुझे आया है वो आया है, शिवम कुमार हैज सेंड यू HDFC बैंक ई गिफ्ट कार्ड ऑन योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। और उसके नीचे आपको एक पासवर्ड दिख जाएगा, कुछ FGEN इक्वल टू करके कुछ मेरा पासवर्ड है। तो अब जब आपको ये मैसेज आ जाए ना, तो आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है, जिस जो भी ईमेल आप अपने फ्रेंड का ईमेल डाले होंगे वो ईमेल आप ओपन करें। और ओपन करने के बाद आपको जाना है प्रमोशंस में। आपको यहाँ पे नॉर्मल जो लोग अभी जैसे वीडियो छोड़ के चले गए होंगे वो लोग नॉर्मल अगर खोजेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे जाना है प्रमोशंस में, प्रमोशन एक सेक्शन होता है ईमेल में, तो आपको उस पे जाना है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है ई गिफ्ट कार्ड प्लस आया हुआ है, कुछ गिफ्ट कार्ड आया हुआ है, तो आपको सिंपली उस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक PDF अटैच किया होगा इसमें, तो आपको सिंपली वो PDF क्लिक करना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद जब ये ओपन होगा तो इससे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा इसमें। तो अब ये पासवर्ड आपको क्या डालना है, पासवर्ड आपको जो मैसेज में भी आया होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। पासवर्ड मुझे मैसेज में आया है FGEN करके, तो आपको वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है और डालने के बाद ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे जैसे आप क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपको यहाँ पे कार्ड का नंबर, CVV और एक पिन, मतलब 4 डिजिट का पिन है। यहाँ पे OTP नहीं आता है, यहाँ पे आपको जो पिन है उस पिन से ट्रांजेक्शन होगा। देखिए मेरे पास तो पेटीएम फास्टैग है इसलिए मैं पेजैप यूज़ करने वाला हूँ। जिनके पास पेटीएम फास्टैग नहीं है वो लोग क्या करें, वो लोग के पास मोबीक्विक का मर्चेंट अकाउंट रहना चाहिए। मोबीक्विक मर्चेंट बनाने के लिए आपको आपको एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी मोबीक्विक का मर्चेंट अकाउंट बनवा सकते हैं। तो आप बनवा लें फिर आप यहाँ इस कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। अब तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।